నమస్కారం నౌత్రానికి నాంది నవ్య కార్యక్రమానికి స్వాగతం రాధిక అర్ధరాత్రి వరకు ఫోన్ లోనే ఉంటుంది రాత్రి పోస్ట్ చేసిన తన ఫోటోలకు లైక్స్ కామెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయనే ఆతృత ఆమెను పరగడుపునే ఫోన్ కు అలవాటయ్యేలాగా చేసింది ఇది క్రమంగా పలు రకాల శారీరక మానసిక అనారోగ్యాలకు దారితీసే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు సోషల్ మీడియా కంటూ నిర్ణీత సమయాన్ని కేటాయించుకోవటమే దీనికి పరిష్కారం అంటున్నారు నిపుణులు ఉదయం నిద్ర లేవడానికి ఫోన్ లో కాకుండా గడియారంలో అలారం ఉండాలి నిద్ర లేచిన వెంటనే ఫోన్ చేతిలోకి తీసుకోనక్కర్లేదు కిటికీ లేదా బాల్కనీ నుంచి సూర్యోదయాన్ని చూస్తూ కప్పు గ్రీన్ టీ లేదా వేడి కాఫీ తీసుకుంటే మనసంతా ఉల్లాసంగా మారుతుంది పావు గంట వ్యాయామానికి కేటాయించుకొని చిన్న చిన్న స్ట్రెచ్లు లేదా కాసేపు నడక శారీరకంగా కొత్త శక్తి వచ్చినట్లు అవుతుంది ఉత్సాహంగా రోజును ప్రారంభించి ఇంట్లో ఆఫీసులో ఆ రోజు చేయాల్సిన పనులు బాధ్యతలను పూర్తి చేయడానికి ప్రణాళిక చేసుకోవచ్చు మరి ఇక మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకోబోయే ముందు ఇప్పుడు నవ్య కార్యక్రమంలో ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ చూద్దాం हाय हैप्पी दिवाली कैसे हो आप सब लोग दिवाली में तो वैसे स्वीट सब लोग घर पे बनाते हैं ड्रेसेस बाहर से खरीदते हैं तो ये टाइम क्यों ना दिए घर पे बनाए जाए आपके लिए अच्छा है दिए अगर खरीदोगे बाहर से मटेरियल और घर पे बनाओगे तो अपनी क्रिएटिविटी निकाल सकते हो जैसे मैंने खुद किया एक्चुअली देखा जाए तो ये टैलेंट मेरे डैड ने मुझे बताया कि आप में इतना हुनर है पेंटिंग करते हो मेहंदी निकालती हूँ डॉट मंडला आर्ट करती हूँ तो क्यों ना ड्राइंग भी की जाए वही दियों में तो मैं खुद पिछले 2 सालों से ये कर रही हूँ अपने रिश्तेदारों को अपने ऑफिस वालों को यहाँ तक मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि वाई डोंट यू गो विथ ना फेसबुक पेज इंस्टाग्राम पेज आप इंस्टाग्राम पे मेरा राधा अंडरस्कोर N2019 मेरा आईडी है तो उस पर आप जाइए पेज देखिए और लाइक कीजिए और वहाँ से आप दिए के आइटम्स देख सकते हो अभी मैं आपके लिए एक डेमो दिखाना चाहती हूँ कि देखो ये है टोटली 21 पीसेस का एक दिया इसमें मैंने बहुत सारे कलर्स डाले बिकॉज दिवाली इज़ अ फुल्ली ऑफ कलर तो कलरफुल यानी घर पे सब कुछ डेकोरेशन होता है तो दिया क्यों प्लेन रहे तो मैंने इसमें ऑलरेडी इतने सारे कलर्स कर रखे हैं तो बेस जो है वो मेन है मेरे लिए तो अभी आपके सामने मैं लाइव कलर करूँगी आप देखिए फिर मुझे बताना कि क्रिएटिविटी कैसी है सेम थिंग आप इंस्पायर हो सकते हो घर पे फ्री बैठे हो कोई काम नहीं है थोड़ा छोटा छोटा अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट करोगे बिजनेस हो सकेगा नाम होगा आपका हुनर दुनिया को दिखेगा और आपका नाम भी होगा कि हाँ मेरे में इतनी क्वालिटीज़ है कि मैं दुनिया को दिखा सकती हूँ तो लेट्स स्टार्ट विद दिस जनरली ये मटेरियल मैं यहाँ से नहीं खरीदती हूँ पूना से खरीदती हूँ क्योंकि वहाँ पे वैरायटी बहुत है और ये जो कलर्स हैं मेरे आप गणपति में देखते हो कितने सारे कलर्स की फिनिशिंग होती है मैट में होता है शाइन में होता है तो ये वही कलर्स है जो स्पेशली मट्टी के लिए बनाए होते हैं जनरली काफ़ी जने हैं जो फेविक्विक यूज़ करते हैं लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ सिर्फ हाईलाइट गोल्डन के लिए मुझे यूज़ करना पड़ता है क्योंकि इससे ग्लो आता है बट ये जो मेरे कलर्स है वो पूरे वहीं से है पूना से लेके आती हूँ मैं और स्पेशलाइज वहीं है कुंभारवाड़ी नाम है जहाँ पे पूरा गणपति का और माता का जो मट्टी का बनता है पीओपी का बनाते हैं वहीं से मैं खरीदती हूँ मेरा होलसेलर पहचान का है तो मैं वहीं से आइटम्स लेती हूँ पूरे तो अब जैसे आप देख सकते हो इसमें मेरे पास 3 ऑप्शंस है 1, 2 एंड 3 तो मैं प्रेफर करूँगी बीच वाले को पिंक दूँ और साइड वाले को पिंक दूँ और बीच का जो लेवल है इसमें काफ़ी सारी डिज़ाइंस है तो मुझे उसको हाईलाइट करना पड़ेगा तो लेट्स सी मैं कौन सा कलर इसमें प्रेफर करती हूँ आई स्टार्ट विद अ पिंक एंड आई शो यू आप पूरा पिंक कर सकते हो ऐसे मत सोचो कि पिंक है तो मुझे पिंक ही करना है एनी कलर यू कैन यूज इट जैसे आपको अच्छा लगे जैसी आपकी क्रिएटिविटी है जो माइंड में आ रहा है उसको आप इस पे उतार दीजिए तो बाद में रिजल्ट आपको खुद को पता चलेगा कि ओह मेरे में इतना टैलेंट है
सी बेस बन गया, पूरा रेडी है पिंक कलर में। एक हिस्सा हो गया, अब हम दूसरा हिस्सा बनाएंगे। अब देख रहे हो कैसे मैं कलर कर रही हूँ, एकदम हाईलाइट करते हुए। पूरा ब्राउन कलर छुपाना है ताकि वो दिखे ना हमें। मेन थिंग इसमें क्या है, माता की मूर्ति भी हम लोग यहाँ पे बीच में रख सकते हैं, साइड में फ्लावर्स रखिए और 21 पूरे दिए जला लीजिए। इसका लुक इतना बढ़िया आएगा ना कि आप खुद विश्वास नहीं कर पाओगे कि ये घर पे बनाया है। अब मैं ब्लू ले रही हूँ, हम लोग बेस में लगाएंगे क्योंकि इसमें डिज़ाइन ज़्यादा है, तो थोड़ा आराम से करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने इस पर पिंक लगाया है, तो वो टच नहीं होना चाहिए। फिर टच हो गया तो डबल मेहनत हो जाएगी। तो एकदम पीसफुली ध्यान से इसको हम लोग कलर करेंगे। डन विथ पिंक ब्लू। अब बीच की लाइन रह गई, इस पर गोल्ड करेंगे, इसमें हम लोग हाईलाइट करेंगे और ये जो पेटल्स हैं यहाँ पे उस पर भी हम लोग हाईलाइट करेंगे ताकि पूरा लुक्स दिखाई दे और परफेक्ट पीस बाहर निकले हमारा। अब मैंने गोल्डन कलर लिया है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फेविक्विक के गोल्डन कलर्स यूज़ करती हूँ हाईलाइट के लिए, तो आई स्टार्ट विद दिस। सी मैंने ब्रश भी चेंज कर लिया क्योंकि पहले मैंने बड़ा ब्रश लिया था क्योंकि स्पेस ज़्यादा था, लेकिन अभी हमें छोटा ब्रश यूज़ करना है। तो मैंने ब्रश का नंबर है 5, तो आप इससे छोटा चाहिए तो यूज़ कर सकते हो। कितना हाईलाइट हो रहा है पीस, इतने में अभी तो यहाँ करना बाकी है हमें और यहाँ पे, तो मैं यहाँ करती हूँ अभी गोल्डन। यहाँ के लिए मैं हाईलाइट थोड़ा सा सिर्फ स्लाइट सिल्वर टच दूंगी, उसके बाद हम लोग यहाँ जाएंगे। सी ये पूरी गोल्डन लाइन हमारी हो गई, अब इसके लिए भी हम लोग गोल्डन हाईलाइट करेंगे। मैं एक पीस दिखाती हूँ आपको, ये साइड का, ये ऐसे, तो इसको थोड़ा सूखने में टाइम लगेगा, तो मैंने ऑलरेडी एक पीस बना रखा है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। लास्ट पीस आपने देखा, मैंने आपके सामने ये बनाया और ये लुक्स ऐसे आए हैं। बीच में माता की मूर्ति रखिए, साइड में फ्लावर्स रखिए और दिए जला दीजिए, मंदिर रेडी हो जाएगा। आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने क्रिएटिविटी की दिवाली के बाद। आप इसको सेंटर टेबल पे रखिए, फूल रखिए, उसके ऊपर कुछ स्नैक्स रखिए, या तो फिर कुछ सजावटी चीज़ों के लिए डिस्प्ले में रख सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो दिवाली की क्रिएटिविटी आई होप आप सब लोगों को अच्छी लगी हो। आप घर पर ट्राई कीजिए, खुद का हुनर दिखाइए और वुमेन एम्पावर निकालिए बाहर। ఇప్పుడు నవ్యలో చిన్న విరామం తీసుకుందాం.